एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए पहला पार्ट हमें दिया हुआ है fx equals to 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। देखिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए दो टेस्ट होते हैं, पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले वाले पार्ट को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवा रहे हैं और सेकंड वाले पार्ट को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। आप दोनों में से कोई सा भी टेस्ट यूज कर सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया जाता है। पहले को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें कोई फंक्शन fx दिया होता तो सबसे पहला स्टेप होता कि हम f'x फाइंड करें, तो इस काम मैंने f'x फाइंड करा। तो देखिए पूरे टर्म को मैंने x माना, उसकी पावर 2 हो रही है तो 2 तो बाहर आ गई, 2x माइनस 1, ठीक है जी। फिर जो से मैंने x माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 का 0 हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2x माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसे हमें जो है ना 0 के इक्वल रखना होता है सेकंड स्टेप में, ठीक है ना। सेकंड इसे हमें जीरो रखने का मतलब ये होता है कि हम टर्मिनेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, मतलब एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी इस तरह से, जब हम इसे जीरो के इक्वल रखते हैं ना एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाती है। देखिए ये वाला 4 तो जीरो के पॉइंट में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, ठीक। इस 1/2 का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट पर हमारा कर्व घूम रहा है इस तरह से कि यहां पर अगर 0 है यहां 1 है तो बीच में हाफ होगा, तो कर्व हमारा ना यहां घूम रहा है इस तरह से यहां पर, ठीक है। तो हमें यह पता करना है ये जो पॉइंट आता ना ये पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो उसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनानी होती है इस तरह से, और हमने बीच में लिख दिया पॉइंट यहां पर 1/2। तो 1/2 के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट होगा, 0 होगा, और राइट में कौन सा पॉइंट होगा, 1 होगा, होगा नहीं होगा। इस 1/2 के लेफ्ट में तो 0 होगा और राइट में 1 होगा, और हमें f'x का साइन चेक करना होता है कि भैया इस 1/2 के लेफ्ट में साइन क्या आता है इसका और राइट में साइन क्या आता है। तो देखिए ये रफली काम हमारा होता है, रफ में हमें करना होता है। अगर मैं इस 0 को इस कर्व में पुट करूंगा ना तो देखिए 4 ब्रैकेट में 2 इंटू 0 माइनस का 1, तो 4 ये तो 0 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से कीजिए माइनस का 4, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, ये माइनस का आ रहा तो यहां पर निगेटिव साइन होगा एफ डैश एक्स का, 1/2 के लेफ्ट में निगेटिव साइन है। अब हम राइट की बात करते हैं 1 पर, तो जहां एक्स है ना वहां 1 पुट कर दीजिए आप, 4 2 इंटू 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 माइनस का 1 तो 4 इंटू 1 प्लस का 4, साइन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। देखिए अगर हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। इसका मतलब 1/2 जो है ना ये लिखेंगे, सो x इक्वल्स टू 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इससे पहले हम एक लाइन और लिख लेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस चेंज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है ना साइन, इस वजह से ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस वाली वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, हमारी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एफ 1/2, तो जहां जहां पर एक्स है ना वहां पर 1/2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस का 1 और उसकी पावर 2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस 3 कितना बचेगा 3, तो ये जो 3 आई है इस वाले कर्व की मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है ना। कोई हमारा दूसरा पॉइंट तो फाइंड हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक, मिनिमम वैल्यू तो इस कर्व की 3 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कोई नहीं है। तो इस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक।